लोग कृपया शांत रहें। अब हम लोग इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हैं कि यहां उपस्थित हमारे साथी, सभी जो पार्टी के साथी मंच पर उपस्थित हैं और विशेष रूप से श्री रणधीर सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और इनके तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में साथी उपस्थित हैं, कुछ रास्ते में ही हैं, और हमारे सभी मीडिया के साथीगण। आज एक विशेष परिस्थिति में हम लोग यहाँ मिल रहे हैं और विशेष परिस्थिति के साथ, एक अजीब परिस्थिति भी हो गई है, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम काफी दिन पहले से निर्धारित था और आज के कार्यक्रम का जो मुख्य विषय वस्तु है वो रणधीर सिंह जी, आप सब लोग जानते हैं कि 2015 से 20 तक विधायक रहे हैं और ये एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी सांसद, विधायक और इसी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, जो वरिष्ठतम नेता रहे हैं इस पार्टी के। चाचा जी अभी विधायक हैं और ये आज पूरे जो देख रहे हैं यहाँ पर हजारों अपने साथियों, कार्यकर्ताओं, इनमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं। ये सारे लोग आज जो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं साथियों, ये मुख्य रूप से आज का यह कार्यक्रम इसीलिए विशेष रूप से आयोजित था। और आज ये जाहिर सी बात है कि रणधीर जी और इनका पूरा परिवार और इतने इनके सहयोगी सदल बल जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे जनता दल यू के लिए बहुत ही मजबूती प्रदान करने की बात है और कदम है। और आज सबसे पहले इसीलिए हमने कहा कि हम लोग जनता दल यू परिवार की तरफ से स्वर्गीय मोदी जी के प्रति हार्दिक और मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद साथियों, उसके बाद जो रणधीर जी और इनके परिवार और इनकी जो मजबूत उपस्थिति है, विशेष रूप से इधर गंगा पार चले जाइए, सारण हो, सिवान हो, अगल बगल का पूरा इलाका हो, कौन नहीं जानता है और कितने मजबूत है सब लोग जानते हैं। तो हमें तो पूरा जनता दल यू परिवार को विश्वास है कि इन लोगों के, हम लोगों के परिवार में शामिल हो जाने से बल्कि हमारे परिवार को इतनी मजबूती मिलेगी, अब उन इलाकों में तो हमारे पार्टी का कोई विकल्प ही नहीं नजर आएगा, ये हम लोगों को इतनी मजबूती मिलेगी। और साथ ही अभी जो चुनाव चल रहा है, घर वापसी है, वही कहा ना जी, इनके तो पिताजी इस पार्टी के संस्थापक नेताओं में से, इसीलिए हमने कहा कि इनका तो घर वापसी ही नहीं समझिए, अपने घर को फिर से एक बार मजबूत बनाने की कवायद है इनकी। और ये हम लोग पूरा जनता दल यू परिवार, मुख्यमंत्री से लेके आम साधारण कार्यकर्ता पूरे प्रदेश का, इनकी वापसी के लिए